नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा से इसार मेन हाईवे रोड पर साथियों। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एडीजीपी श्रीकांत जाघव के सख्त आदेश के बाद में यहां पर पूरे जो एरिए की जो पुलिस है वो एक्टिव मोड में आ चुकी है साथियों। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जगह जगह पर नाकेबंदी कर दी गई है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, नाकेबंदी कर जो यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहा उनके भारी भरकम चालान काटे जा रहे हैं। जो ओवर स्पीड में चल रहे हैं साथियों, उनके लिए आप दे सकते हैं एक अलग तरीके से, यहाँ पर एक आप दे सकते हैं एक मशीन लगी हुई है, पहले ही पता लग जाता है कि इस व्हीकल की इतनी स्पीड है और ओवर स्पीड होते ही उसका उनको रुकवा लिया जाता है और उनका चालान किया जाता है। और दूसरी, मैं कैमरा सहयोगी से कहूँगा अभी आकर दिखाइए किस तरीके से जो ओवर स्पीड है उनका पता लगता है। आप दे सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर, थोड़ा सा आगे कीजिए कैमरा, आगे कीजिए, आप दे सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पता लग जाता है, दूर से ही पहले ही पता लग जाता है कि यह ओवर स्पीड है और गाड़ी ओवर स्पीड है, ये आप दे सकते हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, सीधी तस्वीरें दिखा देना चाहता हूँ किस तरीके से यहाँ पर पहले से दूर से ही पता लग जाता है भी इस गाड़ी की इतनी स्पीड है। और उसके बाद में अगर जो स्पीड है वो तेज़ गति से होती है तो उनको रुकवा कर उनका चालान कर दिया जाता है साथियों। आप दे सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भारी भरकम चालान किए जा रहे हैं और जो यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहा उनको साथियों बचाने वाला अब कोई नहीं है। जानते हैं कि आखिरकार स्पीड लिमिट कितनी है। नमस्कार जी, क्या नाम है सर? राकेश कुमार। हाँ जी, ओवर स्पीड लिमिट कितनी है और कितने चालान काटे गए हैं अब तक? 100 की लिमिट है नेशनल हाईवे 9 की, और अब तक 2 या 3 चालान कर लिए गए हैं, तो अब काफी सुधार है इस चीज में, लिमिट से चलते हैं लोग। सुधार, अब लोगों में सुधार समझ आ गई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल साथियों, इनका साफ साफ कहना है कि अब लोग लगभग समझदार होने लगे हैं और जो ओवर स्पीड है वो लगभग नहीं करते, कम ही रखते हैं। लेकिन सुबह से लेकर अब तक दोपहर हो चुकी है, लगभग 2 से 3 चालान ओवर स्पीड के काटे गए हैं। तो एडीजीपी श्रीकांत जाघव के सख्त आदेश के बाद में यहां पर पूरे जिले भर की टीम है, पुलिस टीम है, वो एक्टिव मोड में आ चुकी है। और इसके साथ साथ यातायात नियमों की पालना ना करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद, शुक्रिया।